राज्य में हवे गर्मी थी आंशिक राहत मळशे। हवामान विभाग द्वारा आगाही व्यक्त करवामां आवी रही छे अने ते प्रमाणे हवे राज्य में आगामी दिवसों में गर्मी में आंशिक राहत मळशे। 30 किलोमीटर प्रति कलाकनी झड़पथी पवन फूंकाशे। अमदावाद गांधीनगर में 42 डिग्री सुधी तापमान रहेवानी पण शक्यता अने संभावना हाल व्यक्त करवामां आवी रही छे। आ साथे ज वरसादनी वात करवामां आवे तो राज्य में 15 जून नी आसपास चोमासानुं आगमन थशे तेवी पण माहिती अत्यारे जाणवा मळी रही छे। केरळमां થઈ ચૂક્યું છે ચોમાસાનું આગમન અને હવે ત્યારબાદ 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસાનું આગમન રાજ્યની અંદર પણ થશે। और मैक्सिमम टेम्परेचर आने वाले 5 दिनों के लिए नो लार चेंज में रहेगा। और वार्निंग की बात करेंगे तो आजकल और परसों के लिए स्ट्रांग विंड सरफेस विंड प्रिवेल करेगी पूरे गुजरात रीजन के लिए, और जिसकी उसकी स्पीड होगी 25 से 30 किलोमीटर पर आवर की। और सौराष्ट्र कच्छ और पाटन सुरेंद्रनगर और बनासकांठा के लिए डस्ट स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है आने वाले 3 दिनों के लिए, यानी आज कल और परसों के लिए। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है वो अहमदाबाद का 42.8 और गांधीनगर का 42.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है। और जो फोरकास्ट दिया जा रहा है अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का, वो 43 डिग्री सेल्सियस का मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट आज के लिए दिया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ है पूरे गुजरात स्टेट में वो है अहमदाबाद का 42.8 डिग्री सेल्सियस। और विंड की डायरेक्शन की बात करेंगे तो लैंड रीजन पे जो विंड प्रिवेल करेगी वो साउथ वेस्टर्ली टू विंड वेस्टर्ली विंड प्रिवेल करेगी। और आज केरला के ऊपर आज मतलब 30 मई को केरला के ऊपर मानसून ऑनसेट हो गया है, और साथ में ही मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और जो गुजरात के लिए जो मानसून ऑनसेट प्रोग्रेस की नॉर्मल डेट है वो 15